नमस्कार, आप देख रहे हैं KYNPost.com। वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार आज सोमवार को अपना इस्तीफा दे दिया। देशमुख ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजा है, जिसमें लिखा है कि आज माननीय हाईकोर्ट की ओर से CBI जांच का आदेश दिया गया है, इसलिए मैं नैतिक आधार पर गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं और मुझे गृह मंत्री के पद से मुक्त किया जाए। और अब अनिल देशमुख के बाद गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दिलीप वलसे पाटिल को सौंपी गई है। इसे 3 घंटे पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने वसूली के आरोपों की CBI जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि यह आरोप छोटे नहीं है और राज्य के गृह मंत्री पर है, इसलिए पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। इस मामले में एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, इसलिए CBI फिलहाल बिना FIR दर्ज किए इस मामले की जांच करे और 15 दिन में अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पेश करे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा था कि देशमुख ने निलंबित API सचिन वझे को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। इसकी CBI जांच को लेकर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा था। परमबीर सिंह ने उनके ट्रांसफर पोस्टिंग और देशमुख के बंगले की CCTV फुटेज की जांच की मांग भी उठाई थी। वहीं NCP प्रमुख शरद पवार ने इस्तीफे के बाद डिप्टी CM अजीत पवार से मुलाकात की, जबकि पहले शरद पवार अनिल देशमुख और उद्धव सरकार का इस मामले में बचाव कर चुके हैं। KYNPost.com की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।